हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजश्री भरवाड़ा मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाने के लिए सबको पसंदीदा सॉफ्ट सॉफ्ट इडली घर में कैसे बनाई जाती है वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। ये इडली अंदर से एकदम सॉफ्ट और कितनी अच्छी जालीदार बनी है, ठीक इसी तरह की इडली कैसे बनाई जाती है चलो आज हम वो सीखते हैं। इसके लिए मैंने उड़द की दाल ली है एक कटोरी, जिसको मैंने 6 से 7 घंटे भिगा दिए थे। उड़द की दाल जितनी अच्छी भीगी होती है उतनी अच्छी ये इडली बनती है। अब उसे मिक्सी के जार के अंदर डाल के मैंने ऐसा बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम ये एक रवा लेते हैं, इसे इडली का रवा बोला जाता है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, कोई भी किराने की शॉप पे हमें इजीली मिल जाता है। आप इसे फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम जिस कटोरी से मैंने उड़द की दाल ली थी वही कटोरी के मेजरमेंट से 3 कटोरी ये रवा लेंगे, 1, 2 और ये 3। अब हम इसको धो लेते हैं। इसके अंदर हमने 2 ग्लास पानी डाल के इसको हाथों से ऐसे अच्छे से हिलाएंगे और उसे 2-5 सेकंड के लिए रख देने से हिलाने के बाद ऊपर हल्के हल्के छिलके आते हैं। देखिए इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक बारीक बारीक छिलके आ चुके हैं। उसे हम पानी के साथ बहा देंगे और ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार करेंगे। अब हम इसमें उड़द की दाल मिक्स करेंगे। मिक्सी में से अच्छे से निकालनी पड़ती है क्योंकि उड़द की दाल मिक्सी में चिपक जाती है। अब उसे हम अच्छे से हिलाएंगे, रवा और उड़द की दाल को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से करिए टेस्ट अनुसार। अब वापस एक बार अच्छे से हिला लेंगे जिससे नमक उसमें मिक्स हो जाए और उसे ढक्कन ढक के हम 8 से 10 घंटे किसी भी गर्म जगह पे इसे रख देंगे जिससे ये फर्मेंट बहुत अच्छा हो जाए। अब आप देखिए ये घोल कितना अच्छा फर्मेंट हो चुका है। इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पतला किया है। इसकी कंसिस्टेंसी सेम इसी टाइप की रखनी है हमें। अगर ये थोड़ी थिक रहेगी तो हमारी इडली इतनी झालीदार और सॉफ्ट नहीं बनेगी। अब हमने ये स्टैंड में इडली का घोल डाल दिया है, इतना इतना ही डालना है। ये स्टैंड मैंने ऑयल से पहले ग्रीस करके रखा था। ये बहुत ही ज़रूरी है ऑयल से ग्रीस करना, नहीं तो इडली अच्छे से निकलेगी नहीं। अब मैंने स्टीमर गर्म करने रखा था, उसमें ये एक एक प्लेट हम सेट कर देंगे। आपके पास जिस टाइप का इडली का स्टैंड हो आप उसमें बना सकते हो, ना हो तो आप छोटी छोटी कटोरी में भी ये इडली बना सकते हो और कुकर के अंदर कढ़ाई में इसे स्टीम में पका सकते हो। अभी हमारी इडली 7 से 8 मिनट के बाद पक चुकी है। इसे हम हाथों से इस तरह से छूकर देखेंगे, अगर हमारे हाथों पे ये नहीं चिपक रही है इसका मतलब हमारी इडली रेडी हो गई है। और इसे अनमोल्ड हम थोड़ा 5-10 मिनट ठंडा होने के बाद करेंगे। अब हमारी इडली ठंडी हो गई है, मैं इस तरह से चक्कू की सहायता से इसे अनमोल्ड कर रही हूँ। आप देखिए ये प्लेट कितनी अच्छी क्लीन हुई है। अगर आप गर्म गर्म में निकालोगे तो ये प्लेट में थोड़ी थोड़ी चिपक जाती है। इसे मैंने इस तरह से सांभर, व्हाइट चटनी, रेड चटनी के साथ इस तरह से सर्व किया है। आप इसे बनाइए और इस तरह से अपने घर में सभी को सर्व करिए।